एवरीथिंग इज पॉसिबल विद सुनील में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं और गुजरात के हीरा व्यापारी श्री सावजी ढुलकिया जी का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने भारतीय महिला टीम को घर जब लौट कर आएगी तो उन्हें सबको जिनके पास घर है उनको 5 लाख रुपए और जिनके पास घर नहीं है उनको 11 लाख रुपए नाम देने की घोषणा की है। गुजरात के अरबपति हीरा व्यापारी सावजी ढुलकिया ने भारतीय यहाँ की टीम के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सावजी ढुलकिया ने वादा किया है कि उनकी कंपनी भारतीय हॉकी टीम के उन सदस्यों को 11 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी जो घर बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही सावजी ने ये वादा भी किया कि अगर महिला हॉकी टीम पदक लाती है तो जिनके पास पहले से ही घर है उन्हें 5 लाख रुपए की मूल्य की वो कार देंगे। ढुलकिया अपने कर्मचारियों को बोनस के रूप में भव्य उपहार देने के लिए जाने जाते हैं। हीरा कारोबारी ने मंगलवार को ट्विस्ट करते हुए लिखा, दिल में अविश्वसनीय गर्व के साथ मैं ये घोषणा करता हूं कि एचके ग्रुप ने महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला किया है। प्रत्येक खिलाड़ी के लिए जो अपने सपनों का घर बनाना चाहती हैं हम उन्हें 11 लाख रुपए की सहायता देंगे। सावजी ढुलकिया की घोषणा के तुरंत बाद कई अन्य लोग भी टीम को प्रेरित करने के लिए शामिल हुए। ढुलकिया ने एक और ट्विस्ट में लिखा, अमेरिका से मेरे भाई के दोस्त डॉक्टर कमलेश दवे ने सभी विजेताओं को 1-1 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया है। आगे सावजी ने ट्विस्ट किया है कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को भारतीय खिलाड़ियों की मदद करने के लिए धन्यवाद देता हूं। इससे न केवल हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि उन्हें आने वाले टूर्नामेंटों में भी बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। हम उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता है ताकि हमारे राष्ट्र को और अधिक गौरव दिला सकें। जय हिंद। बता दें कि भारतीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर टोक्यो के ओलंपिक में सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। हालांकि अपने पहले ओलंपिक सेमीफाइनल मैच में अर्जेंटीना के साथ 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। अब कांस्य पदक के लिए भारतीय हॉकी टीम का सामना ग्रेट ब्रिटेन से होगा। मैं सुनील कुमार यादव ढोलकिया जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।